एक गोता स्वीडन के तटीय शहर मालमो की अंधेरी धुंधली नहरों में। कोरोना संकट के बाद मैं और मेरा साथी देखना चाहते थे कि नावों का यातायात काफी घटने से नहरों में कितना प्राकृतिक जीवन फिर लौटा है। ये काफी लौट आया है, लेकिन हमने इस दौरान पाया कि नहरों में बहुत से ई स्कूटर फेंक दिए गए हैं। अब तक हमने करीब 300 स्कूटर निकाल लिए हैं। ये बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। पर्यावरण से जुड़ी इस समस्या का जवाब दे रहे हैं 4 डिजाइनर और 2 पेशेवर गोताखोर। बैटरियों में बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जैसे लिथियम, जो समंदर में नहीं जाने चाहिए, लेकिन इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं जिनका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। स्मार्ट डिजाइन का इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना, यही मिशन है आंध्रा फॉर मैन पहल का, जिसका अर्थ है दूसरा रूप। इस प्रोजेक्ट पर 2020 से काम हो रहा है। ये लोग मालमो की नहरों से निकाले गए ई स्कूटरों से जरूरी चीजें निकालते हैं। इन्हें किराए पर देने वाली कंपनियां तो कब की इन्हें भूल चुकी हैं। और यहाँ लुंड शहर में उनकी वर्कशॉप में वे इससे लैंप, कुर्सियां और यहाँ तक कि बारबेक्यू ग्रिल्स तक बनाते हैं। जितना लंबा हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उतनी ही संभावनाएं खोज पाएंगे। ये बहुत शानदार आइडिया है। बेसिक सामान बदलता रहता है तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें रोचक डिजाइन बनाने के लिए बहुत कुछ जोड़ना नहीं पड़ता। यूरोप के कई शहरों में ई स्कूटरों का चलन बढ़ा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ई स्कूटर तुरंत किराए पर लिया जा सकता है, लेकिन ई स्कूटरों की भरमार से भी समस्या हुई है। जैसे ई स्कूटरों को लापरवाही से फुटपाथ पर पार्क कर दिया जाता है। या इससे भी बड़ी समस्या, स्कूटरों को जानबूझकर नदियों या नहरों में गिरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ वे फिर से काम आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं इस ट्यूब का इस्तेमाल शेल्फ बनाने में करने वाली हूँ। ये सबसे प्रमुख पुर्जों में से एक है, तो मैं इसे शेल्फ सिस्टम की सपोर्ट के लिए और रोलर अल्यूमिनियम शीटों के साथ शेल्फ की सतह बनाने के काम में ला सकती हूँ। आंध्रा फॉरमैन कलेक्टिव अपने डिजाइनों को सदर्न स्वीडन डिजाइन डेज जैसी प्रदर्शनियों में दिखाते हैं। वे अपने उत्पादों को 300 से 600 यूरो के बीच बेचते हैं। हालांकि उत्पाद बेचना इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद नहीं है। मकसद है ई स्कूटर का हर पुर्जा इस्तेमाल करना, जैसे कि कोई जानवर जिसे आप खाते हैं, वहां भी आपको सब खाना चाहिए, कुछ भी बेकार नहीं जाना चाहिए। और ये एक चुनौती है जिसमें हमें अब तक महारत हासिल नहीं है। यहाँ फेंके गए स्कूटरों की कोई कमी नहीं है। मालमो की नहरों में कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। कानूनी तौर पर स्कूटर रेंटल कंपनियों की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है।